हेलो दोस्तों, मैं अभी आई हूँ अपने बच्चों को लेके साइंस सेंटर। यहाँ पे काफ़ी कुछ है बच्चों के लिए, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए। काफ़ी नाम सुना है मैंने साइंस सेंटर का, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ साइंस सेंटर को। बैक कैमरा बैक करके दिखा रही हूँ, तो ये देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं साइंस सेंटर के पास। और ये खुशी है, चुलबुली है, और ये पीयू है, और उधर हर्षु। और आप देखिए यहाँ से ये गेट के अंदर एंटर करने के साथ यहाँ पे आपको एंट्री कार्ड लगेगा। एंट्री फी 30 रुपीज़, 3D शो के लिए भी 30 रुपीज़ है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ टिकट रेट्स अच्छे से, और हम लोगों ने अब टिकट ले लिया है, तो हम लोग जा रहे हैं अंदर। और ये है ममता। हाय मैं मैडम जी को सैनिटाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, भैया से मिलिए, हम लोग को सैनिटाइज करते हुए अंदर भेज रहे हैं। ये देखिए हम लोग आ गए हैं साइंस सेंटर के अंदर। वाह, काफी खूबसूरत नजारा है, अच्छा लग रहा है। आज काफी भीड़ भाड़ है, इसलिए हर लोग अपना मास्क लगा ले। हर्षु प्लीज पुट ऑन योर मास्क। ये देखिए ये है श्री कृष्ण विज्ञान भवन, जो कि काफी अच्छा लग रहा है दिखने में, काफी साइंटिफिक चीजें दिख रही है यहाँ पे। काफी अच्छा लुक दिया गया है इसके बाहरी एनवायरनमेंट को भी, काफी अच्छा लुक दिया गया है। और दोस्तों आज काफी भीड़ भाड़ है। और यहाँ पे एक बड़ा सा प्लेन बनाया गया है टाइगर मार्च, पुराने जमाने के यान की तरह है ये बिल्कुल। ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है टाइगर यान। अंदर जाने की अनुमति नहीं है, नहीं तो मैं आपको भीतर जाके यहाँ पे अच्छे से दिखा दी अंदर से। और यहाँ पे एक रोबोट है जो बच्चों को काफी अट्रैक्ट कर रहा है। बच्चों के लिए यहाँ पे एक छोटा सा पार्क है, बच्चे काफी एंजॉय कर रहे हैं, काफी क्रिएटिव क्रिएटिव चीजें हैं यहाँ पे। ये क्या है? प्रतिध्वनि। अच्छा, मुंह नली के अंदर ले जाए और हेलो बोले। अच्छा अच्छा, वहां से हेलो बोलोगी तो यहाँ से आवाज आएगा। हाँ, ये इस तरह का एक पाइप यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, जिससे कि उधर से अगर कोई आपको आवाज दे रहा हो तो यहाँ से आवाज अब हेलो हेलो, मेरी आवाज पहुंच गई तुम्हारे तक। फ्रेंड्स ये काफी दूर तक बना हुआ है, फिर भी हमारी आवाज बहुत ही क्लियर वहां तक जा रही है, और उधर से भी बोलने पे इधर बहुत क्लियर आवाज आती है। कुछ कुछ साइंस का क्रिएटिविटी यहाँ पे काफी अच्छा देखने मिल रहा है। अभी हम लोग अंदर नहीं गए हैं, अब मैं अंदर जाऊंगी। और एक और ही बहुत ही अच्छा चीज आपको मैं दिखाती हूँ, ये नल जहाँ से पानी लगातार गिर रहा है। आ जाओ ये नल देखते हैं। बोलिए आ जाओ हेलो, आ नल देखते हैं। मेरा कप मेरा
वाह, बहुत ही अच्छा है पार्क, बहुत बहुत ही अच्छा है, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये नल देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है जिससे कि लगातार पानी गिरता जा रहा है पर वाटर बाहर नहीं गिर रहा है। ये काफी मैजिकल चीज लग रही है मुझे। हाँ, रियल वाटर तो रियल रियल वाटर है, लेकिन पानी जिस हिसाब से जितनी तेजी से गिर रहा है उस हिसाब से उसको बाहर गिरना चाहिए था। कनेक्टेड किधर से? पर ये बहुत पानी, एक भी बूंद बाहर नहीं आ रहा है जबकि ये टैंक पूरा फुल है, उसके बाद भी पानी बहुत ज्यादा बाहर। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे क्या है? ये तेज से घुमाओगे ना? हाँ। तो इधर पिंजरा है, उधर तोता है, तो तेज से घुमाओगे तो लगेगा कि पिंजरा 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 होता है। ओके, ऐसा है क्या? इधर से देखिए, देखना। वाह, वापस एक साइड पे तोता है, दूसरे साइड पे पिंजरा। पिंजरा दिखाओ पीहू। वाह, और इस व्हील को घुमाने से पीहू घुमा रही है, और इस व्हील को घुमाने से ऐसा लग रहा है जैसे पिंजरा तोता में चला गया, तोता पिंजरा में चला गया है। मैं भी, ये क्या है? पढ़ो, बोर्ड पढ़ो, फिर पता चलेगा क्या है। मुठिया से छोटे गियर ट्रेन। मुट्ठियों से छोटे गियर ट्रेन को घुमाएं। ओके, ये छोटा सा ट्रेन है तथा बगल में पड़े गियर को पूरा घूमने में इसके द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या को गिने। अच्छा, ये काफी ये इस तरह से घुमाने का कुछ व्हील है, गांधी जी के चरखा टाइप का कुछ मुझे दिख रहा है, पर इसमें क्या कुछ साइंस है मुझे समझ में नहीं आया। ये चरखा है, ठीक है? हाँ, जस्ट लाइक चरखा एंड देन ये फॉर्मल है। हाँ, ये चरखा टाइप का ही कुछ लग रहा है, बट इसमें साइंस क्या है मेरे समझ से बाहर की बात है। यहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत यूज हो के खराब हो चुकी है, बट बहुत ऐसी चीजें भी है जो बहुत अच्छा है। ये रस्सा कसी, अच्छा ये रस्सा कसी क्या है? ये तो काफी अच्छी चीजें हैं। ये एक दीवाल यहाँ पे डाला गया है और इस होल से देखने पे दीवाल के आर पार दिख रहा है, तो काफी अच्छा लगा मुझे। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे दीवार के साइड पीछे दीवार के पार दिखेगा, दीवार के पार पीहू खड़ी है व्हाइट वो में, और पीहू मुझे दिख रही है। ओ गॉड, तो बहुत ही यूनिक चीज मुझे लगा ये यहाँ का। और आइए देखते हैं अब आगे क्या है। ये एक बड़ी सी फिश, बच्चों के लिए काफी कुछ खेलने को यहाँ पे है, काफी अच्छा है सीखने को देखने को। हाँ हाँ, दिखाओ। अच्छा, हवा का आवाज आ रहा है। किसी ने म्यूजिक सुनाई दे रहा है। हाँ।
वाओ, ये तो काफी अच्छा चीज। हाँ शायद एयर वॉइस है, पर बहुत ही अच्छी म्यूजिक की आवाज अंदर से आ रही है, है ना, म्यूजिक सा लग रहा है। वाओ यार, इंस्ट्रक्शन पढ़िए, इंस्ट्रक्शन हर जगह दिया हुआ है। यो यो, इसका नाम है यो यो। इस पंडल को रस्सी से लपेट कर घुमाते हुए ऊपर तक ले जाएं और एकाएक छोड़ दें। ओके, इसको ऐसे लपेटते हुए ऊपर की तरफ ले जाओ और फटाक से छोड़ो। आप देखेंगे कि पंडल रस्सी के सहारे ऊपर से घूमते हुए नीचे वापस आ जाता है। हाँ पूरा घुमाओ पूरा, यस, और फटाक से छोड़ो उसे। हाँ छोड़ दो, यस यस छोड़ो। वाव वाव, देखो कितने अच्छे से घूमते हुए नीचे आ रहा है। देखो देखो कितने अच्छे से घूम रहा है भाई। ये मछली है। हेलो मम्मा, गो देयर, आई विल बी स्पीकिंग समथिंग, यू विल बी एबल। ओके, लेट मी गो। हाय चिल्बुल, हाय, हेलो, आई लव यू मम्मा, लेट्स प्ले टग ऑफ वॉर, कम ऑन, कम कम। ओके बेबी, ये तो वो सारी चीजें थी जो आपको साइंस सेंटर के बाहर ही मिल जाएगी। जैसे ही आप गेट से एंट्री लोगे, ये सारी चीजें आपको यहीं पे दिख जाएगी। बट अब हम लोग आपको ले, चलो चलते हैं। बच्चा लोग अंदर जाने को रेडी नहीं, और ये रस्सी खींचाखींची हो रही है खुशी और पीहू में, देखते हैं कौन जीतता है। एक साइड है खुशी और एक साइड पीहू, और ये पीहू ने खुशी को खींच लिया है। वो कटकुट और जीरो जो बचपन में खेलते थे हम लोग ना, वही चीज है, इस तरह से बना हुआ। बन गया जीरो वाले का, हो गया। टिक टैक टो बोलते हैं इसको, टिक टैक टो। अपनी हथेली में छेद करें और एक आंख नली के दूसरे छल्ले के पास ले जाकर दोनों आंखों से देखें। देखो दिखा क्या हुआ है, अपनी हथेली में छेद करें, वो छेद शादी इस ब्लॉक से देखो, नहीं शायद इस ब्लॉक से देखो, और उधर से अपने हैंड को रखो, उस साइड पे अपना हैंड रखो, इस साइड आईज रखो, उस साइड हैंड रखो, देखो दोनों आंखों से देखो, हथेली को नली के पास लाएं। ठीक है, नली का छेद हथेली में हुआ प्रतीत होता, अच्छा नली का छेद हथेली में हुआ प्रतीत होता है, यह एक प्रकाश, ये दृष्टि भ्रम है। ठीक है, ऐसा तुमको फील होगा कि तुम्हारे हैंड में छेद हो चुका है। मम्मा मेरे को भी करना है। हाँ तो देखिए अच्छे से ट्राई कीजिए, अपने हथेली में छेद करें, आप नली और छेद, ओ
यहाँ से देखो, इस वहाँ से देखो, इस पे इस छल्ले पे रख के देखो, इस पे रखो, आई थिंक ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं लग रहा, भ्रम है, हो सकता है भ्रम ही होगा, बट हुआ तो समझ में तो कुछ आया नहीं। आओ हम लोग अंदर चले क्या, या आप दूसरी साइड? अभी बाहर तक में सबसे अच्छा मुझे ये लगा है कि काफी पानी काफी तेजी से गिर रहा है और पानी ओवरफ्लो होके बाहर नहीं आ रहा, ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और ये सही में टच करने पे रियल वाटर है, ये पानी हाथ भीग रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे दिख रहा है कि पानी गिर रहा है, हाथ गीले हो जा रहे हैं, पर ये पानी बाहर ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक आधे घंटे से ऊपर हो गया हम लोगों को आए हुए और अभी तक हम लोग अंदर नहीं गए, बाहर ही इतना मज़ा आ रहा है, बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये देखिए सारे झूले में लगे पड़े हैं। अच्छा यहाँ पे वेट उठाना है, ओह यहाँ पे आके आप अपना हेल्थ भी बना सकते हैं, डोले छोले बन जाएंगे आपके। और ये रहा झूला, मोस्ट फेवरेट प्लेस बच्चों के लिए। हाँ बेटा यहाँ हूँ, मास्क मास्क पहनो, काफी भीड़ है बेबी। आगे में क्या है बेटा, आगे में वहाँ पे क्या है, वो क्या है उसको भी देख लिया जाए, छोड़ेंगे क्यों। ये क्या है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है कि ये क्या है, कहीं कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह भी नहीं लिखा हुआ है, ये जाल जैसा। तू मम्मी खो गई, बच्चे खोते हुए सुने थे, मम्मी कैसे खो गई? देखो मम्मी कहीं पापा के साथ आइसक्रीम तो नहीं खा रही है। फाइनली अब अंदर जाने की बारी आ गई है और हम लोग सभी अंदर जाने वाले हैं। माँ मेरा फोटो तो आइए अब हम लोग चलते हैं अंदर, साइंस सेंटर के अंदर, और आइए देखते हैं अंदर क्या क्या है। आई एम श्योर अंदर भी काफी अच्छा होगा, बाहर तो काफी अच्छा लगा, काफी क्रिएटिव चीजें देखने को मिली। फन साइंस, ये फन साइंस का गेट है। है म्यूजिक इन द एयर, ओके
ओके ओके, ये टचलेस इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आई थिंक कोविड के कारण टचलेस किया गया है। इसे मैं बजा के देखूं। ओह गॉड, अच्छा बज तो रहे हैं पर काफी धीरे धीरे इसकी आवाज आ रही है। शायद इसका वॉल्यूम कम किया है या गॉड नोज खराब हो चुका है ये। काफी धीरे आवाज आ रही है। व्हाट इज दिस? यहाँ पे है लीव योर शैडो बिहाइंड, आपकी शैडो के पीछे में क्या है। आई थिंक अंदर बहुत अंधेरा सा है, मुझे जाते हुए डर लग रहा है। ये इस तरह का एक अंधेरा कमरा है। मुझे सच बोलूँ तो मुझे अंदर जाने में थोड़ी डर जैसी लग रही है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। हे हेलो पीहू, पीहू ये मुझे काफी अच्छा लग रहा है। लाइट्स जगमगा रहे हैं और यहाँ भी कुछ है। ओ ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, इस तरह के बॉल्स पड़े हैं, इस तरह के मोमेंटो हैं और इसे आपको डंडे से इसे अरेंज करना। आई थिंक भैया इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हमेशा तालियों की गड़गड़ाहट आवाज आ रही है, इस पेड़ को हमेशा लाइट जगमगा रहे, काफी अच्छा लग रहा है। जादुई छड़ी, स्विच को दबाएं और देखें कि अंदर क्या लिखा है। ओके, यहाँ पे स्विच को दबाना है बट ये टचलेस लिखा हुआ है यहाँ पे और ये लगातार ऑन है और अंदर में लिखा हुआ दिख रहा है वेलकम टू एसएससी पटना। अच्छा अब ये बंद हो चुका, अब मैं ये टचलेस है बस फिंगर रखने मात्र से ही ये जल जा रहा है। यहाँ पे क्रैक शॉट, ये शॉट लगाने का है। नहीं हो रहा है, टचलेस तो नहीं है, ये भी देख लो। अच्छा टचलेस तो नहीं है, खराब है क्या? बोलू
लगा देना, कहीं भी निशाना मत लगा देना। चल रहा है तुम्हारा? गोली चाहिए। हाँ, जब तक गोली नहीं डालोगी कहाँ से होगा। आई थिंक काफी कुछ यहाँ पे अभी मैनेजमेंट सही नहीं है, बहुत चीजें खराब हो चुकी है। और ये देखिए, ये है जादुई नल जिससे पानी बह रहा है और गिर नहीं रहा है। लगातार पानी कहाँ से आ रहा है, बस ये नल हैंग है, पानी गिर रहा है पर पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई अता पता नहीं है। इसका नाम है जादुई नल। और अब आइए देखते हैं क्या। ये एक रिंग है जो लगातार घूम रही है, वृष्टि रिंग है जो लगातार घूम रहा है यहाँ पे। देखो हर रिंग अलग अलग है फिर भी घूम रहा है। अपस्टेयर्स है, चलो। हाँ आ जाओ, आ जाते हैं बास्केटबॉल के पास, स्मार्ट बास्केटबॉल। और पीहू डालने वाली है बॉल बास्केट में। हाँ ठीक है, देखती हूँ। वाव हर्षु, वाव, वेरी गुड। चुलबुली, ओ फेल। लाओ एक बार मैं भी ट्राई करूँ। Last ball you fail. ओ ये भी कुछ है, ये क्या है, असंभव मिश्रण। ओके ओके ओके, इस तरह का यहाँ पे लिक्विड है। अच्छा अच्छा, ये जब व्हील को घुमा रही हूँ मैं, लिक्विड लग रहा है जैसे मिक्स हो रहा है। ये देखिए, ये लिक्विड मिक्स हो चुका है, एक येलो और ऑरेंज टाइप का लिक्विड है जो मिक्स हो चुका है। बट जैसे ही आपका व्हील रुक जाता है ये बिल्कुल अलग अलग दिखेगा, येलो अलग दिख रहा है, ऑरेंज अलग दिख रहा है। काफी अच्छा है, बहुत है, अच्छी अच्छी चीज है। ये क्या है, सरल चित्रांकन। ये ओके, ये नीचे ग्लास है जो लग रहा है गीला है। ओ वाओ वाओ वाओ, काफी अच्छा चीज है ये। वाओ, बहुत सही लग रहा है। काफी अच्छे कलर्स, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे में ऑयल दिया है मिरर के अंदर और कलर डला हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह से देखिए आप इसे। वाह, ये भी बहुत अच्छा था। बहुत सारी देखने लायक चीजें हैं बट मुझे थोड़ा यहाँ पे मैनेजमेंट की कमी लगी। टॉम नहीं बात करेगा, गुस्सा है। हेलो 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 हेलो, क्या नहीं, गुस्सा है, फीलिंग लो। हेलो टॉम, हेलो टॉम। ओ देख रहा है, ढूंढ रहा है। हेलो टॉम, आवाज आ रही है बाहर क्या? नहीं ना,
हेलो टॉम, कुछ जवाब देने की कोशिश कर रहा है। मैं देख चुकी ऊपर क्लब है, बहुत सुंदर है ऊपर, इसके ऊपर कुछ है क्लब है। स्प्रिंग रेजर हसू को हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं बास्केटबॉल के लिए। फिर चला गया, देखकर भी विश्वास नहीं होता क्या। एक पाँव रंगों पर, हाँ हाँ बोलो। व्हाट? ओके आपका हैंड जिधर जिधर जाएगा शायद ये उधर उधर आपके साथ साथ होगा। ओहो, जैसे ही आपका हैंड यहाँ पे आता है ये चलने लगता है। ओके और एक साथ सारे चलते हैं, वाओ वाओ। ये है पिरामिड हेलोग्राम। तो अब टाइम हो चुका है और हम लोग निकल रहे हैं साइंस सेंटर के बाहर। दोस्तों जाने का मन तो नहीं है, बहुत अच्छा था पर थोड़ी सी मुझे मिसमैनेजमेंट लगी। मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, अंदर काफ़ी कुछ ख़राब पड़ा हुआ है। ओके, इस साइड पे जुरासिक पार्क है जो काफ़ी कुछ हम लोगों का देखना रह गया। अभी आज लेट हो गया हम लोगों को, इस वजह से हम लोग बहुत चीज़ नहीं देख पाए। ओके, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी और आप लोगों को पूरा वीडियो दूंगी। ये एक छोटा सा पार्क है जिसमें डायनासोर का बहुत ही बड़ा पिक्चर है और लाइटिंग वगैरह है, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा है बाहर। नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, और अच्छा इसका पूरा दिन में आके मैं इसका वीडियो अच्छे से आप लोगों को दे पाऊँगी। अभी एक ही पार्ट में आपको दिखा पाई।